अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं एज एम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना है, और ब्राउज़र में जो लंबी लंबी टैब्स होती हैं और स्क्रॉल डाउन करके आप किसी भी टैब का फुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप इस तरह से जो एक्सटेंशन आपने बताई थी उसके अलावा अगर हम पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर कोई भी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसका कोई मेथड बताएं, तो उस कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया हुआ ताकि आपको पता चले कि कौन सी की के साथ जो स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पे कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली जो की है ये वर्क नहीं करती, इसको सिंगल प्रेस करने से भी स्क्रीनशॉट कैप्चर किया जा सकता है। बहुत सारे लैपटॉप के अंदर अगर ये वर्क नहीं करती ये वाली की, तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये वाली विंडो। इसके अंदर स्क्रीनशॉट जो भी हम कैप्चर करेंगे तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो विंडोज की दबानी है और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन आपने दबानी है, तो आपका जो स्क्रीन है वो कैप्चर हो जाएगी, स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिमाइज करके ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपने ये करंट टैब है इसको कैप्चर करना है तो आपने विंडोज आर्ट और प्रिंट स्क्रीन दबानी है तो ये वाली कैप्चर हो जाएगी। इन केस बहुत सारे लैपटॉप ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे लैपटॉप के अंदर यहाँ पे बता रहा है कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा तो इसका इसके साथ वर्क नहीं करेगा। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ये कैप्चर करके देखिएगा, विंडोज आर्ट और प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये जो करंट टैब है, जैसे ये फोल्डर ओपन हुआ हुआ है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट वो कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट की हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, विंडोज शिफ्ट और एस आपने प्रेस करना है तो एक जो आपको बार शो हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ऊपर टूल बार शो हो रही है। रेक्टेंगल का मतलब है आप कोई भी पार्ट जो है इसको यहाँ पे कैप्चर करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला पार्ट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट मैंने ऐसे ब्लैंक स्क्रीन को किया था तो ये वाला आ गया। इसके अलावा दोबारा हम इसको करते हैं, ये वाली सेम की दबानी है, विंडोज शिफ्ट और एस दबाना है। और इसके अलावा यहाँ पे ये है फ्री हैंड टूल है, मतलब आपने कोई भी पार्ट किधर से भी उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं दोबारा इसमें करके दिखाता हूँ, आपने ये वाला पार्ट इस तरह शो करवाना है तो ये सिर्फ इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपको शो हो जाएगा। आपने इसी विंडोज का इसी कोई चीज़ आपने शेयर करनी किसी के साथ तो आप सिर्फ फ्री हैंड टूल के साथ कैप्चर कर सकते हैं और अपने किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये फुल स्क्रीन स्निप है, तो जैसे आप करेंगे तो एक स्क्रीनशॉट जो पूरी स्क्रीन का है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और आपके जो क्लिपबोर्ड के अंदर वो ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला मेथड था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने ये मैनुअली आपको नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये स्निपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है स्निपिंग टूल, तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेम आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी का मेथड वही है जो फ्री फॉर्म है, स्निपिंग विंडो स्निपिंग है और ये फुल स्निपिंग है। इसके साथ जो करंट विंडो है आप सिर्फ उसी को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सिर्फ करंट विंडो है, ठीक है, इसी को कैप्चर करना था तो हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक बंदे को यूज़ करना चाहिए अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर, आपके मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है शेयर एक्स। ठीक है, ये तकरीबन 4-5 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और बहुत सारी इसके अंदर
आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे ये कैप्चर करवाता है और बहुत सारे इसके जो टूल्स हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद आए हैं। ठीक है, आपने इसको सिंपली डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेटअप डाउनलोड करना है, तो सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसमें डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 34 MB का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कुछ ही देर के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप ओपन करेंगे, इसको सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कैप्चर वाले सेक्शन पे आएंगे तो बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे। करंट विंडो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, किसी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, किसी ब्राउज़र का स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।